नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिजनौर की, जहां से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय का निरीक्षण किया, जहाँ सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी पाई गई। निरीक्षण के दौरान बच्चों को मैस में खाना खाते हुए पाए जाने पर उन्होंने बच्चों से भोजन की गुणवत्ता, स्थानीय सुविधाओं के बारे में जानकारी ली, जिस पर बच्चों द्वारा संतोषजनक रूप से सभी चीजों का उपलब्ध होना बताया गया। इसके बाद राज्य मंत्री संदीप सिंह कंपोजिट विद्यालय में आयोजित ग्राम चौपाल कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उनका जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, मुख्य विकास अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों द्वारा बुके देकर स्वागत किया गया। इस दौरान बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। सभी को संबोधित करते हुए संदीप सिंह ने कहा, आज अगर प्रधानमंत्री आवास की बात करें, शौचालय की बात करें, किसान सम्मान निधि की बात करें, क्या किसी भी योजना के माध्यम से किसी को भी आपको एक भी रुपए की रिश्वत देने की आवश्यकता पड़ती है? नहीं पड़ती है। आज आपके खाते तक एक एक रुपए को अगर पहुंचाने का काम किसी के नेतृत्व में आज संभव हो पाया है, तो आज मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में संभव हुआ है। आज सरकार देश के हित के लिए कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे सर्वोपरि राष्ट्रहित है। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए हमारी सरकार कार्य करती है। इसीलिए हम सब आपके बीच में इन कार्यक्रमों के माध्यम से, ताकि आपको लगे कि आपकी सरकार आपके लिए। यहाँ पे अभी हमारे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी कुछ महिलाएं थी जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, अपने कार्यों के बारे में आप सब लोगों को बता रही थी। हमारी सरकार जितने भी गरीब वर्ग के बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का कार्य कर रही है। अभी हमारे बीच में कुछ यहाँ बंगाली समाज से लोग थे जो काफी लंबे समय से परेशान थे। आज आप सब लोगों ने सुना कि अगर उनकी भी किसी ने बात सुनी, उनको अपना अधिकार दिलाने का काम अगर किसी सरकार ने पूरा किया, तो आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार ने और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने संभव हुआ। इसके पश्चात मंत्री जी द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की गई तथा दिव्यांगजनों को निःशुल्क ट्राई साइकिल का वितरण, माँ दुर्गा महिला प्रेरणा माइक्रो एंड एंटरप्राइजेस संस्थान के संचालकों को पुष्टाहार उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए 90 लाख का चेक तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को चेक का वितरण भी किया गया और चाबी भी वितरित की गई। मंत्री द्वारा ग्राम चौपाल कार्यक्रम के दौरान ग्राम धर्मनगरी में जिला प्रशासन द्वारा कराए गए विकास एवं राजस्व कार्यों पर बिंदुवार सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान सभी ग्रामवासियों द्वारा कार्यों की गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन परियोजना निदेशक DRDA ज्ञानेश्वर तिवारी द्वारा किया गया। इस अवसर पर सदर विधायिका सूची चौधरी, नेहटवा विधायक ओम कुमार, बड़ापुर विधायक सुशांत सिंह, जिला अध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धनवीर सिंह, मुख्य विकास अधिकारी KP सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन विनय कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह, अन्य जिला स्तरीय अधिकारीगण तथा जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। साथ ही स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री संदीप सिंह द्वारा जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया गया, जहां उन्होंने अस्पताल पहुंचकर सुविधाओं की जानकारी ली और अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।